इन दोनों का जो दरवाजा है ना वो बड़ा विचित्र है। मन का दरवाजा भगवान की ओर नहीं खुलता, मन का दरवाजा संसार की ओर खुलता, और हृदय का दरवाजा संसार की ओर नहीं खुलता, परमात्मा की ओर खुलता है। इन दोनों में एक अंतर पर मन को आप भगवान में ले जाने का प्रयास करेंगे, मन को आप भक्ति में ले जाने का प्रयास करेंगे, मन को आप सत्संग में ले जाने का प्रयास करेंगे, मन को आप कीर्तन में ले जाने का प्रयास करेंगे, ये मन भटकेगा। थोड़ी देर तक भजन में चले जाएगा, थोड़ी देर कीर्तन में चले जाएगा, थोड़ी देर मंत्र जाप में चले जाएगा, थोड़ी देर स्मरण में चले जाएगा, उसके बाद ये मन भटक कर फिर संसार में चला जाएगा। पर हृदय चित्त वृत्ति एक बार अगर परमात्मा के दरवाजे पर चली गई तो फिर ये हृदय ये चित्त ये वृत्ति फिर भटकती नहीं है, फिर एकाग्रित हो जाती है परमात्मा के चरणों की। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का, हे गंगदा मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण पिया शंभु तार तार तू। ये हृदय का जो दरवाजा है, हृदय का जो द्वार है वो परमात्मा की ओर खुलता है, और मन का जो द्वार है, मन का जो दरवाजा है वो संसार की ओर खुलता है। आप ध्यान लगाना जरा इस हृदय को शिव तक ले जाने के, पूरा राष्ट्र शिव प्रसाद शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए ललायित है, संपूर्ण राष्ट्र। दो दिन से लगातार लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि शिव प्रसाद कथा की बड़ी उत्सुकता है कि शंकर जी के प्रसाद की महत्वता को हम जानेंगे। और ये भी मेरा विश्वास कहता है प्रसाद खाने के बाद आनंद जरूर आता है, चाहे नाथद्वारे का प्रसाद खा लो, चाहे सांवरिया सेठ का खा लो, चाहे तिरुपति का खा लो। यदि प्रसाद खाने के बाद आनंद प्राप्त होता है, जरूर उसका फल मिलता है, तो एक बात निश्चित है कि शिव प्रसाद शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद भी तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ प्राप्त होने वाला है, ये निश्चित। बस उसको आप दिल से हृदय से चित्त से मन से उसको रमाओ। आप जितना हृदय से सुनेंगे आप जितना हृदय से श्रवण करेंगे, पीछे की साउंड की आवाज बढ़ा दीजिए, सबसे पीछे और पीछे की एलईडी की भी चालू कर दीजिए, आप जितना चित्त को हृदय को मन लगाकर
इस चित्त को लगाकर जितना श्रवण करेंगे उतना सुख का अनुभव होगा। महाराज शिव महापुराण की कथा कह रही है, नींद आ रही है और बच्चे सोने नहीं दे आपको, तो आप बच्चे को डांट सकते हो। ये आपको पहले भी एक बार प्रसंग में कहा था, नींद आ रही है और भरचक आ रही है और बच्चे सोने नहीं देंगे आपको, तो आप बच्चे को डांट सकते हो। पर नींद आ रही है और मक्खी कान में भिन कर रही है, या मक्खी तुम्हारे सामने आकर घूम रही है, तुम्हें सोने नहीं दे रही है, तो क्या तुम मक्खी को डांट सकते हो? अरे बोलो तो जरा बड़ोदरा वाले, डांटोगे? नहीं। फिर क्या करोगे? बच्चे सोने नहीं देंगे तो बच्चों को डांटा जा सकता है, पर मक्खी सोने नहीं देगी तो मक्खी को डांटा नहीं जा सकता। एक काम कर सकते हो कि चद्दर ओढ़ लोगे, रजाई ओढ़ लोगे, या फिर मच्छरदानी लगाकर मुंह को ढककर सो जाओ। इसको समझदारी कहते हैं, इसको विद्वत्ता कहते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि मक्खी को ना हम डांट रहे हैं, मक्खी को ना हम भगा रहे हैं, मक्खी से बचने का तरीका हमने ढूंढ लिया कि मुख पर चद्दर ओढ़ लो और रजाई ओढ़ लो या मुख ढाक लो, तो आप मक्खी आपको परेशान नहीं करेगी। उसी तरह संसार सागर में, कुटुंब में, नातों में, रिश्तों में, कबीले में, परिवार में, अगर ये मन भटक रहा है और ये संसार के लोग, परिवार के लोग, कुटुंब के लोग जितने भी हैं, ये आपको भटका रहे हैं, आपके मार्ग से आपको हटा रहे हैं, तो शिव महापुराण की एक चादर एक दिन ओढ़ कर सो जाइए, अपने आप ये मक्खियां भिन भिन आना बंद कर दो। इस चित्त को, इस मन को, इस बुद्धि को, इस हृदय को आप परमात्मा में लगाना प्रारंभ कर दो। आप उस परमात्मा के पास में इस चित्त को ले जाना प्रारंभ कर दो। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। इस चित्त को जब ये भटक रहा हो, ये मन जब भटक रहा हो, ये हृदय जब भटक रहा हो, तब उसके लिए सबसे सुंदर साधन है भगवान का भजन, भगवान की अविरल